डीके इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमआई होम सिक्योरिटी कैमरे की। यह कैमरा 3000 से 3200 रुपये के बीच में आपको बाज़ार में एमआई के अलावा अलग अलग कंपनियों का मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसको जब हम चालू करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो ऐसा इसमें कुछ खास नहीं है। तो जो ये एमआई होम सिक्योरिटी कैमरा है तो 1080 मेगापिक्सल का आता है, अच्छी एचडी क्वालिटी आता है। साथ ही इसमें सबसे माइनस पॉइंट है जो बैटरी का है, जो इसमें के अंदर बैटरी नहीं आती है दोस्तों, और इसको हमको पावर बैंक से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने नया एमआई होम सिक्योरिटी कैमरा मंगवाया है, ये ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, जो ये कैमरा है वो दिखने में आपको बता देता हूँ, जो इसकी जो साइज़ है कोई खास ज़्यादा बड़ी साइज़ नहीं होती है। जो आपको दिख रही है ये इसकी साइज है। तो इसको चालू करने के लिए इसमें एक कैमरे के अलावा एक डाटा केबल निकलेगी और एक अडेप्टर निकलेगा, जो इसको बिजली से कनेक्ट करने के लिए एक अडेप्टर निकलेगा और एक यूएसबी केबल मिलेगी। इसको हमें पावर में लगा देना है। पावर में लगाने के बाद में जैसे यहाँ पर एक सॉकेट है इसका, तो उसमें पावर में लगा देंगे और इसको एडेप्टर को बिजली के बोर्ड में लगा देंगे, या फिर हमारे पास पावर बैंक है तो यह पावर बैंक से कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमें ये बिजली जाने के बाद भी हमारा कैमरा चालू रहेगा। तो दोस्तों, इसको जैसे सप्लाई की तो बात कर ही ली है हमने, इसके अलावा हमें मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसका नाम है एमआई होम। एमआई होम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी उसमें ऐड करनी है। जैसे अब आपने चालू किया, तो चालू करते ही उसमें एमआई एप्लीकेशन को जब खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो उसमें आपको सबसे पहले मेल आईडी मांगेगा। तो मेल आईडी के मांगने के बाद में दोस्तों, जब वो एक कॉर्नर पर, जैसे आपको मैं एक मेरे मोबाइल में दिखा रहा हूँ, ये कॉर्नर पे ये प्लस का चिन्ह है, इसको दबाना है और ऐड डिवाइस करनी है। जैसे ऐड डिवाइस कर दिया, तो ऐड डिवाइस करने के बाद में आपको इस तरह का सिंबल आपको घूमता हुआ मिलेगा। जब इसका प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों, तो आपको उस एमआई एप्लीकेशन में दो कैमरे के निशान मिलेंगे। आप दो दो कैमरे अगर आपके पास है, दो तो दो कैमरे कनेक्ट हो जाएंगे, एक है तो एक हो जाएगा। अगर एक कैमरा है तो एक कैमरा आपको उसमें मिल जाएगा। जैसे कैमरे का निशान आ जाएगा एड डिवाइस करने के बाद में, तो उसको अपन ओपन करेंगे। जैसे अपन ने उसको ओपन किया, तो उसमें अपना जो वाईफाई से इस कैमरे को कनेक्ट करेंगे, तो वाईफाई के लिए उसमें अपना जो या तो मोबाइल वाई हॉटस्पॉट से उसको कनेक्ट कराओ, या फिर किसी अन्य मोबाइल से उसको कनेक्ट कराओ, तो उसका जो वाईफाई का जो एड्रेस है या मोबाइल है, तो जो जो भी कंपनी का मोबाइल है वो आ जाएगा, या फिर नाम से आपका हॉटस्पॉट बना हुआ वो आ जाएगा। उसमें पासवर्ड डालने के बाद में ये उससे कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद में दोस्तों, वो कैमरा ओपन होएगा, जैसा कि आपको मैं मेरे मोबाइल में दिखा रहा हूँ किस तरह वो आपको दिखेगा। जैसे ये मेरे कनेक्ट होने के बाद में इस तरह का ये सिंबल घूमेगा, ये कैमरा है। ये इसको आप जूम भी कर सकते हो, जैसे ये बड़ा कर लिया आप, जैसा देख रहे हो ये बड़ा कर लिया। ये भी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये दोस्तों ये घूम रहा है। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसमें यहाँ पर कॉर्नर पर चार बटन आएंगे आगे पीछे करने के लिए, घुमाने के लिए। बैक में ले सकते हो आप, ऊपर ले सकते हो, नीचे ले सकते हो, दाएं बाएं, इस तरह का इसके अंदर आएगा। जो जैसा कि दोस्तों हमने आपको जो कॉर्नर पे आप ले पे इस तरह के आप देखेंगे, चार बटन आएंगे इसके अंदर, जो उसको दाएं बाएं घुमाने के लिए काम आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी इसका प्रोसेस चल रहा है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो ये आप डिस्प्ले पे चार ये बटन देख रहे हैं, इससे ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं दोस्तों। फिर इसको आप अगर इसको
वीडियो सेव करना चाहते हो, इसके अंदर रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, इसके लिए एसडी कार्ड है, वो एसडी कार्ड इस कैमरे पर इस जगह पर लगता है, उसमें आप एसडी कार्ड लगा सकते हो। जो 32 GB का रहता है वो 7 दिन इसके बैकअप रहता है, 7 दिन के अंदर उसमें स्टोरेज होगा और 7 दिन बाद में ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए लाइक एंड शेयर जरूर करें।